हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मिडिल क्लास डायरीज। मुझे व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। आपकी बहन सुबह उठ के मजदूरी पर लग गई क्योंकि घर में दो बीमार लोग हैं। अम्मी और दादा जब से मैं तो वापस आए थी खांसी खत्म हो रही है। अम्मी की उनको फीवर भी हो गया था, मेरा आई हो गया स्टार्टिंग शायद, तो उसकी वजह से भी घर में ना काफ़ी ज़्यादा काम है। और ब्लॉग में बैग्स अनपैक जो कर दिए थे उनको वापस से पैक करने, क्योंकि उनके अंदर पहले फैंसी कपड़े हुआ करते थे। फैंसी कपड़े में बैग्स में डालते हैं, पेटे के अंदर रखती हूँ ताकि वो उसमें संभले रहें, वरना इधर उधर ख़राब होते रहते हैं, तो वो बैग्स में अच्छे से सेफ रहते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह इस ब्लॉग में वो भी कर लूँगी। तो मैंने अब्रा को गर्म पानी दिया है सबसे पहले नाश्ते से पहले, यानी कि सुबह उठ के आप मुँह धोएं और गर्म पानी पी लेंगे। खांसी है तो मतलब एक हफ्ते के अंदर की मार है, जितनी मर्ज़ी संगीन खांसी हो। तो रात में जो मैंने चिकन बनाया था वो मैंने हॉट पॉट में रख दिया गर्म करके, रात में अब्रा ने खाना नहीं खाया तो अब मैंने उसको दे दिया। वो साथ में दही का रायता राजमा लेता है, उसके बगैर वो खाना नहीं खाता। दही के रायते में सिर्फ काली मिर्चें डाल, दही में को अच्छे से पैक करके काली मिर्चें डालती हूँ। देखिए खांसी इसके लिए था कि नून सामने खाने को बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था, तो मैंने ना अब्रा को पंखा के कहा कि मेरे को क्रेविंग हो रही है तो फिर ले आना एक आध खा लेंगी। अम्मी ने शाम में खाया और सुबह तक अम्मी को फिर से खांसी हो गई, जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। तो आपने जब गर्म पानी पीना तो लाजमी एहतियात करनी है, ये नहीं कहना भाई इतना ने कहा था गर्म पानी पियो खांसी ठीक हो जाएगी, सारी एहतियात भी करनी है। चावल नहीं खाने, जो अम्मी ये भी मैंने चावल खाए हैं, अम्मी ने बना के रखे हैं। अम्मी रोटी नहीं खा रही, चावल ही खा रही है, तीनों सब भी खा रही है। मेरे पास सेब लाया था, मैंने सोचा वो अब्रा को काट के दे देती हूँ सुबह नाश्ते के साथ, तो वो भी ख़राब निकल आ रहे हैं। कितने सारे सेब ख़राब ही निकलते जा रहे हैं उसमें से। वो अपनी तरफ से रेड लेकर आया था ताकि मतलब सॉफ्ट हो, मीठे हैं और अम्मी को अच्छे लगे। अच्छा, हम सऊदी अरब में प्योर रेड बिल्कुल जनरली डार्क रेड सेब लेते होते थे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक निकलता था, बिल्कुल गला सड़ा नहीं होता था। वो ना थोड़ा सा गल जाए, कोई फल या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, डैमेज हो जाए, तो उसको छुपा के नहीं रखते, उसको फ़ौरन से कचरे में फेंक देते हैं। ये नहीं कि धोखे से बेचते हैं। यहाँ क्या होता है हमारे साथ पाकिस्तान में, रात में बाने ये फल वगैरह ख़रीदे ना घर में घर आते हुए, तो वो जो ख़राब वाला पार्ट होता है ना उसको उल्टा करके रख देते हैं, सही साफ पार्ट ऊपर रखते हैं ताकि आपको दिखे वो साफ साफ है फल, और नीचे से वो ख़राब होता है। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का कब्र में, वो स्टिकर लगा देते हैं उसके ऊपर जहाँ से वो ख़राब होता है। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं तो किसी को माफ़ नहीं करती, सब अपनी कब्रों में भुगतते हैं जो मेरे साथ धोखाधड़ी करता है। खैर, रात का आलू बैगन का सारा था, मैंने चिकन वो जो शवारमे वाला था वो बना के दिया ब्राको, साथ में ये भी गर्म कर दिया। हालाँकि ये खाया नहीं है ब्रा ने, फिर जो सही सही सेब थे वो काट के नहीं है ब्रा को कुछ, और आज ब्रा को थोड़ी सी मेडिसिन भी दे देंगे। उसको लग रहा था कि उसका बीपी हाई हो गया। अम्मी मुझे जितना मर्ज़ी कहती रहें कि बीपी हाई है चेक कर लो और तुम तो कोई मेडिसिन ले लो मेरी, वो खा लो, थोड़ी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये दो बैग्स हैं जो हमने फैंसी कपड़ों से भर के अब पेटे में रखने हैं आज, और इस तरफ ब्रा के दो इल्ज़ाम रखे हुए हैं और एक रज़ाई रखी हुई है, इस रज़ाई को गुलाब से निकालना है, वो रखना है हमने। मैं पक्का अहद कर रही थी कि इंशाल्लाह आज ये सारे काम मैंने कर लेने हैं। और ये है थोड़ी सी याद जो मुझे जद्दा की आ रही थी, वहाँ पर मैंने ये बिरयानी खाई थी, इतनी लजीज बिरयानी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। इसके अंदर से आलू बुखारा भी निकला था, ये पाकिस्तानी बिरयानी थी जो मैंने जद्दा होटल में खाई थी। मैंने इतनी लजीज बिरयानी पाकिस्तान में भी नहीं खाई जो मैंने वहाँ पे खाई, मुझे इसकी इतनी याद आई तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मैं किसी ब्लॉग में ऐड करूँगी तो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर। बिरयानी होती है ये वो बिरयानी थी, जेन्युइन बिरयानी मैं घर में जो बनाती हूँ वो पुलाव बनाती हूँ, ये दम वाली बिरयानी नहीं बनाती। पर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और आस्ता आस्ता मुझे ऐसी बिरयानी बनानी आ ही जाएगी। और देखें उनका चिकन भी कितने अच्छे से गला हुआ था, ना ज़्यादा था कि भाई बुरी गया हो वो चावलों के अंदर, और ना ही ऐसे हार्ड था कि मुश्किल से टूटता हो। और सबसे अच्छी बात उस बिरयानी की ये थी, उसमें से आलू निकल रहा था, हर बंदे की प्लेट में एक आलू आता था। मैं अम्मी से और अब्रार से भी आलू ले लेती थी उनके, और उनके आलू खाती थी हम जब ये बिरयानी खाने मिलती थी हमें। साथ में दो किन्नू थे, पानी था और आई थिंक मैं और इनमें होटल की तरफ से ही सर्व किया गया था। अच्छा, तो वापस आज हम पाकिस्तान, हम ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, आसमानों पर उड़ रहे थे अभी बिरयानी के साथ। मैं खैर ये मैंने ब्रा के लिए ही चाय बनाई है, वो अभी दूध नहीं पी रहा, जैसे एहतियात कर रहे हैं। हम दोनों बहुत जाबिर हैं बहन भाई, हम तीन बहन भाई हैं और मैं और ब्रा बहुत जाबिर हैं। अगर खास वर्कशॉप लगा दी है, साफ़ सफाई कर दी है, भाई का खाना नाश्ता हो गया था वो चला गया है, और मैंने कुछ सॉक्स भी वगैरह धोकर डाल दिए हैं। मुझे दोबारा से भूख लग गई है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, देखते हैं कुछ फ्रूट्स बने हों तो हम वो खा लें। किन्नू रखे हैं जो घर में और कोई नहीं खा सकता क्योंकि अम्मी और अब्रा को खांसी है, बस मैं ही बची हुई हूँ, और ये छोड़ देते हैं वो खा लेंगे। वैसे भी मुझे किन्नू ज़्यादा पसंद है, अम्मी का किन्नू खाने का बहुत दिल था, अम्मी ने मंगाए थे लेकिन अम्मी को वापस से खांसी हो गई किन्नू खा के, अल्लाह अल्लाह करके उम्र से वापस आ के अम्मी की ना खांसी ख़त्म हुई थी, लेकिन अब फिर से अम्मी को खांसी स्टार्ट हो गई तो हम इनको खा लेते हैं।
इस रज़ाई का कवर उतारते हैं और ये एहराम और ये बैग्स पैक कर दूँगा। ये बेटा इसके अंदर से सारे कपड़े निकालते हैं, पहले इस मशीन को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। मशीन उठा ली है, ये स्पेस हो गई खाली, ये और ये है टू डील। बैग्स उतार लेते हैं यहाँ से। जी पे हो गया बिल। कपड़े ये जो रैपिंग है ये मैं नहीं उतारी, ऐसे ही रखूँगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं ऐसे उतारने को। चले बेटे की तरफ चलते हैं। ओह यहाँ भी काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है। ऊपर सेक्शन में ये कुछ इस्लामिक बुक्स हैं, वो कंबल शंबल है, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। एक डिनर सेट है, ये पता नहीं क्या, ये शायद ब्रा के शूज़ हैं, तो बस ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ थे मेरे कपड़े, जैसे कि ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये सारे कपड़े आपको दिखाती हूँ और फिर बैग में पैक करते हैं। ये नंबर वन रॉयल ब्लू और ऑफ वाइट। ये सेकंड ड्रेस रेड और स्किन का कॉम्बिनेशन। कुछ पीले का पहन रहा है इस पर। ये ग्रीन मुंडिया कलर और इस पर भी तिल्ले का काम हुआ है और ब्लैक नेक बना हुआ है। ये अगेन एक मुंडिया कलर ओपन शर्ट जिस पे तिल्ले का काम हुआ है और ये जो स्टोन्स हैं ये स्टिक हुए हैं, ये हाथ का काम नहीं है। कुछ ऐसा अगेन ये हाथ का तिल्ले का काम, स्टिक नहीं है। माशाल्लाह मरून और स्किन का कॉम्बिनेशन। ये एक नेट का फ्रोकल, इस पर तिल्ले का काम हुआ है और इस पर ये मोती और स्टोन स्टिक हुए हैं। ये पेपलम है शॉर्ट फ्रॉक और नीचे इसके हैं शरारा। ये एक डार्क स्किन कलर है और ये भी ओपन शर्ट सॉर्ट ऑफ फ्रॉक बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत हाथ से काम हुआ है तिल्ले सितारे का इस पर। और इस पे रेड कलर के पैचेस लगे हुए हैं फ्रॉक पे, ओवरऑल नीचे पूरे घेरे में और स्लीव्स पे और आई थिंक दुपट्टे पे भी। ये पिछले सूट का दुपट्टा है, थोड़ा हैवी, इसलिए मैंने सेपरेट ही रखा हुआ है इसे। इसके बॉर्डर्स पे ये चौड़े वाली लेस लगी हुई है, नॉर्मल दुपट्टा है जो 2.25 मीटर का होता है और फिर उस पर ये कुमकुम लगे हुए हैं स्टोन्स वाले। अगेन ये हाथ का तिल्ला का भी काम हुआ है। ऑफ वाइट बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जो मैंने पिछले वीक पे पहना था, ये यकीनन आप ये वाली वीडियोस में देख सकते हैं। और इस पर भी तिल्ले का काम हुआ है और ये लॉन्ग शर्ट और साथ चूड़ीदार पजामा है। ये एक काफ़ी हैवी फ्रॉक सॉर्ट ऑफ है, लेकिन फ्रॉक जितना खुला घेरा नहीं है इसका और ये सारा स्टोन वर्क कपड़े के ऊपर नहीं है, अलहदा से पैचेस के ऊपर करके इसको स्टिच किया गया है इस कपड़े पे। और ये ब्राइट रेड कलर है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इन फैंसी ड्रेसेस की डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मैं एक ही वीडियो में सारे ड्रेसेस कवर कर लूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बना दूँगी ये वीडियो। तो अभी के लिए इतने, ये पैकिंग मुकम्मल होगी, अब हम वो बैग पैक करते हैं। वो सूट चला गया, ये शॉप इसके अंदर डाले और मेरा ख्याल बाकी कपड़े इसमें हैं ये वहाँ डाल दे। और ये देखिए मेरी कितनी प्यारी बेडशीट, इस बार रमज़ान में मुझे याद दिलाइएगा, मैं लाजमी ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी गेस्ट आने पे वहाँ अम्मी वाले बेड पे, और क्योंकि ज़्यादा गेस्ट वहीं बैठते हैं। आई थिंक बाकी के कपड़े ये हैं तो उनको भी रख लेते हैं। चलो ठीक, ये क्या है, ये कुछ फैंसी कपड़े, ये बहुत सुने जाएंगे।
ये वाली स्पेस खाली कर लेते हैं। ये मॉस्किटो नेट है जो गर्मियों में काम आती है। यहाँ स्पेस बना ली है हमने, यहाँ हम ये दोनों सूटकेसेस बंद करके रख लेते हैं, बाकी चीज़ें यहीं पे रखी रहने लेते हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, ये रज़ाई भी हमें अनपैक करके यानी उसका ग्राफ उतार के यहाँ पर रखनी है। इसको भी शॉपिंग में डाल देते हैं। चलो ये हो गया पैक, इसको यहाँ रख देते हैं। ये रख दिया हमने एक और ट्रैवल बैग, और ये हो गई तीनों मच्छरदानियाँ, और ये हो गया दोनों बैग्स। इसमें गर्मियों के कपड़े हैं और इसमें फैंसी कपड़े हैं। और ये लैपटॉप बैग भी मैंने शॉपिंग में डाल दी, यहाँ पे जैसे तैसे अड़ा दिया है, यहाँ पे रख देते हैं रिजाई। उससे पहले ये ब्रा थे एहरान, उनका ब्रा ने माशाल्लाह उन्हें पहने थे, उनको यहाँ पर रख देते हैं। उनके पखेस रख देते हैं ताकि मैले हाथ ना लगे, ये गंदे ना हो। और मेरी जैकेट भी हम उठा के यहीं पर रख लेते हैं। अब इसका कवर उतार लेते हैं और फिर वो जायनवास भी रखते हैं। ये रज़ाई रख दी है और ये जैकेट भी फोल्ड करके रख दिया, वरना बहुत सारे लोगों ने बड़ी बातें सुनानी थी। ये बैग भी मैं वहाँ पे पूरे ट्रैवल में लिए लिए फिरती रही, पानी की बोतलें होती थी इसमें, जितनी होती थी मैसेज आने से पहले उसको भी शॉपर में डाल के पेटे में रख देते हैं। ये कवर जाएगा वॉशिंग मशीन में, ये वापस पेटे में जाएगा। ये डाल दिया मैंने सुखर बच्चे की तरह इसके शॉपर में, और इसको मैंने यहाँ पर ये बैग हैं ये जाएंगे वहाँ सेफ में, ये टिश्यू पेपर यूज़ हो जाएगा। ये माइक्रो का कवर है, ये ब्रा के शूज़ हैं जो वो आए दिन मांगता है पहनने के लिए, तो ये सारे कैबिनेट फिट हो गए थे, इसको मैंने डब्बे में ही रहने दिया। अच्छा, तो ये सब चीज़ ये हम सेफ में ही रखते हैं, मेहमान आया गया हो तो साफ तो लिया फ़ौरन से निकाल के देता है बंदा, लेकिन ये रखा हुआ है। और वैसे ये एक शॉपर था अच्छा जिसके अंदर मैं ब्रा के आराम डाल सकती थी, इसके अंदर डाल देते हैं दोनों आराम। ये पैक कर दिए दोनों ऐसा, उनको यहीं पर रख देते हैं सामने ही, इंशाल्लाह दोबारा ब्रा जाएगा ही ले जाएगा। ये सेफ में जाएगा, ये भी सेफ में जाएगा, ये लीड यहीं पड़ी रहेगी। और ये जायनमाज तीनों हम पेटे में ही रख देते हैं, भाई काफ़ी ज़्यादा जायनमाज हो गए हैं। ये रख दिए हमने जायनमाज, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। मशीन हम वापस यहाँ से उठा के वापस रख देते हैं और पेटे को बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये काम यहाँ से ख़त्म हो गया। चलो जी, बाय बाय। इतनी डस्ट हो गई है बेटा यहाँ पे, ये खाली हो गया, इसको हम इसके ऊपर ही रख देते हैं। ये डस्टिंग के कपड़ों का शॉपर है, इसको भी यहीं पर रख देते हैं। मुझे खाली हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत साफ सफाई भी कर दी है। और ये कवर हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। ये चिकन के कैन हम पैक करा के यहाँ से लेके गए थे, मैंने चिकन बनाया था, चिकन अचार गोश्त, और फिर हमने यहीं से पैक करा लिए थे क्योंकि हमें वहाँ पर लेकर चिकन खाना था, चिकन महंगा मिलता है। और ये गजरे और फ्लावर जो उम्र पर जाने से पहले गेस्ट आए थे उन्होंने दिए थे मुझे, जो सूख गए लेकिन मैं संभाल कर रखूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, घर पे सांप निकल आया किचन में, वो भी किचन के फ्लोर पे। मैं अचानक से मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे सांप था, और पहले मैं सोच रही थी जो हम सऊदी अरब से जुड़े लाए हैं शायद उनके अंदर से निकला होगा। और ये देखें सच में ये सांप ही है, ऐसा नहीं है कि गिद्धोया हो या कोई और चीज़ हो, ये सांप ही है। उसकी स्किन ऐसे चमक रही होती है जैसे ना हमने ऑयल लगाया है इसके ऊपर, और ऐसे शाइन कर रही होती है, और वो टूटता भी नहीं है, बस क्रीम्स होते रहते हैं उसमें। अच्छा, तो ये खजूरों में से ही निकला, बच्चे ना सामने वालों के घर गाँव से ना वो पालक आई थी, तो ये बच्चे आए थे मेरे घर पालक देने के लिए, तो वो पालक मैंने यहाँ शेल्फ पे रखी थी किचन में, ये उसके अंदर से निकला था। सांप का भाग जा भाग जा भाग जा, क्योंकि कहना लाजमी होता है सांप को, अगर वो जिन हो तो भाग जाता है। फिर मैंने बच्चों से कहा इसको मार के बाहर फेंक दिया, वो बच्चों ने उसको मारा, तकरीबन कोई एक गीट ही यानी कि कोई 7 इंच लंबा सांप था। और इसके बाद मैंने अपने लिए चिप्स बनाई, आ जाएँ आप सभी मेरे साथ चिप्स खा लें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह सबके रिज़्क में बरकत दे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।